हेलो एवरीवन, मैं हूँ आईमंत्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम आईमंत्रा हॉस्पिटल में लोगों को आंखों की समस्याओं के बारे में जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं, जिनका उन्हें लाइफ के किसी भी फेज़ में सामना करना पड़ सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आँखों की परेशानी या आँखों की कमज़ोरी से जूझ रहे हैं और मिलिट्री फोर्स, आर्मी, मर्चेंट नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, नेवी, रेलवेज या और किसी ऐसी सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे इसको क्लियर करें। आज इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। शुरुआत करने से पहले आपके सारे डाउट पर ध्यान देते हैं, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। लेसिक सर्जरी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या लेसिक लेज़र या लेज़र आई सर्जरी के ज़रिए अपना मेडिकल क्लियर कर सकते हैं, क्या लेसिक सर्जरी की इन मेडिकल टेस्ट में अनुमति होती है, क्या लेसिक लेज़र डिटेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आजकल सबसे लेटेस्ट है, कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि लेसिक सर्जरी क्या होती है। लेसिक एक प्रकार की रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी है उनके लिए जो लोग चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनना चाहते। सरल भाषा में बोले तो लेसिक एक प्रकार की रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी है, जिसका उपयोग मायोपिया, हाइपरोपिया और एस्टिगमैटिज्म जैसे चश्मे के नंबर को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसे लेज़र सर्जरी के रूप में भी जाना जाता है। लेज़र सर्जरी के फायदे क्या हैं? आँखों की रोशनी बेहतर रूप से काम करने लगती है। इस सर्जरी के समय व्यक्ति को दर्द बेहद कम होता है। सर्जरी के बाद व्यक्ति की आँखों की रोशनी तुरंत या एक दिन बाद ही पहले से बेहतर हो जाती है। लेज़र सर्जरी के बाद बढ़ती उम्र में जल्दी आंखों की रोशनी पर प्रभाव नहीं पड़ता। यह सर्जरी पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या लेसिक लेज़र या लेज़र आई सर्जरी के ज़रिए अपना मेडिकल क्लियर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सर्जरी के ज़रिए अपना मेडिकल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। क्या ये सर्जरी इन मेडिकल टेस्ट में अलाउ होती है? क्या उसके लिए कोई क्राइटेरिया होता है? ये हर डिफेंस एस्पिरेंट के मन में क्वेश्चन आता है। एसएसबी और मेडिकल दोनों किसी भी कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करने बेहद ज़रूरी हैं, या आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं जैसे कि आर्मी, मिलिट्री फोर्स, एयरफोर्स, नेवी, उसके अंदर आइस का जो मेडिकल टेस्ट होता है उसकी कुछ विजुअल रिक्वायरमेंट होती है। विजन के अंदर आँखों का मेडिकल टेस्ट होगा। आप हेडक्वार्टर या उनकी वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं। उस विजन के हिसाब से आपकी आईज़ का चेकअप भी करवा सकते हैं कि आपकी आईज़ उस पैरामीटर में फिट होती है या नहीं। बट अगर मुद्दे की बात करी जाए तो जब भी आपका मेडिकल टेस्ट होता है तो सबसे पहले आपकी विजन चेक करी जाती है। अगर आपकी विजन नॉर्मल है, 6x6 है, तो आपका कलर विजन, टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन, आंखों के मूवमेंट एंड मेन टेस्ट किए जाते हैं एंड आपको फिट करार दे दिया जाता है। प्रॉब्लम आती है जब आपकी विजन 6x6 या 6x9 से कम होती है। तब मेडिकल ऑफिसर आपका नंबर भी जानना चाहेंगे, आपको अलग अलग मशीन पे भी चेक करेंगे कि कोई और आँख में दिक्कत तो नहीं है। फिर जब आपको अलग अलग मशीन पे चेक किया जाता है तो कोई भी छोटी प्रॉब्लम भी अगर आईज में हो वो डिटेक्ट हो जाती है एंड इस चक्कर में आपका रिजेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली अगर आपका विजन 6x6 होता है तो आप बहुत सारे और मेडिकल चेकअप से बच जाते हैं एंड आपका रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो ऐसे में अगर आपका चश्मे का नंबर है, चाहे वो छोटा या बड़ा, लैसिक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैसे भी देखा जाए तो लैसिक मोस्ट केसेस में अलाउड होता है एंड बाय चांस आप किसी ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जहां लैसिक अलाउड नहीं है, तो भी लैसिक एक बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होने वाली सर्जरी है। अगर फिर भी आप कोई चांस नहीं लेना चाहते तो PRK या एपिलेसिक जैसे टेक्निक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इनमें कोई फ्लैप नहीं बनाया जाता, जिससे कि फ्लैप रिपोजिशन का कोई मार्क भी नहीं होता। तो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लेसिक लेज़र सर्जरी डिटेक्ट हो सकती है या नहीं और इनमें बेस्ट टेक्निक्स कौन सी हैं। लेसिक लेज़र के डिटेक्ट होने की बात करें तो जो फ्लैप प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि सी लैसिक, फेमटो लैसिक, कंटूरा, इनमें कई बार फ्लैप के निशान रह सकते हैं, बट ऐसा बहुत कम ही होता है। अनुमान से बोलूँ तो 5 में से 2 में ये निशान दिख सकते हैं, बट ये भी टाइम के साथ फीके पड़ जाते हैं और अधिकतर 5 से 6 महीने में ये पूरी तरह से दिखने बंद हो जाते हैं। हाँ, बट ये निशान कभी टॉर्च लाइट पे नहीं दिखते। अगर आपका मशीन पे चेकअप हो तो ही ये निशान दिखाई देते हैं।
सो इसलिए बेटर है कि अगर आप डिफेंस सर्विसेज या किसी और सर्विसेज में जाना चाहते हैं जिसमें आईज का मेडिकल टेस्ट होता है, तो आप सही समय रहते अपना लैसिक करा लें, बिल्कुल लास्ट टाइम का वेट ना करें अपना लैसिक कराने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप फ्लैपलेस प्रोसीजर जैसे कि PRK, Trans-PRK, एपीलैसिक या एपीकंटूरा ऑप्ट करें, जिससे कि फ्लैप का निशान रहने का कोई चांस ही ना रह जाए। बट इनमें भी आपको अपनी सर्जरी मेडिकल टेस्ट से कम 2 महीने पहले करानी होगी, क्योंकि आमतौर पे फ्लैपलेस प्रोसीजर में रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है, अबाउट 3 वीक्स। अगर मैं आपके लिए बेस्ट और लेटेस्ट सर्जरी की बात करूं, तो वो एपीकंटूरा होगी, जिसमें आपका चश्मा उतरने के साथ साथ कॉर्नियल पॉलिशिंग भी की जाती है, जिससे कॉर्निया की सारी इरेगुलरिटीज खत्म हो जाती है, जिससे आपको एक सुपर विजन मिलती है, जिसमें कई बार आप 6x5 विजन भी पा सकते हैं, यानी कि आप नॉर्मल से 1 लाइन एक्स्ट्रा भी पढ़ पाएंगे। आखिर में मैं आप सबको यही समझाना चाहूँगी कि बहुत से लोग लेजर सर्जरी करवाते हैं ताकि वो अपनी आँख को ठीक करवा सके, ताकि वो मेडिकल टेस्ट में रिजेक्ट ना हो जाए और अपना ड्रीम करियर फॉलो कर सके, और वो उसमें कामयाब भी होते हैं। पर इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकता। कभी कभी ठीक या अच्छे विजन वाले भी रिजेक्ट हो जाते हैं, या फिर कम विजन वाले भी कॉन्फिडेंस के दम पर टेस्ट पास कर लेते हैं। डॉक्टर अपनी जानकारी के हिसाब से बस सही सलाह दे सकते हैं, बाकी जो मेडिकल टेस्ट के रूल्स हैं टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं, तो इनको सही से पता लगाना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कोई राय लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और आँखों के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।